चैन सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। वर न हो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भरत ही समभाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु बैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे
सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से सर्व सुख करहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मंडे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू। तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। बजरंग बली की महिमा की एक झलक दिखाते हैं पावन झलक दिखाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। संग में विवाह हुआ पर बीता बहुत समय उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। औलाद की खातिर दोनों ने ही तप किया भारी। हे प्रभु जी पूर्ण करो मन की ये इच्छा हमारी। फिर पूछा पवन ने अंजना से क्या इच्छा तुम्हारी। महलों को छोड़ के वन वन क्यों भटके मारी मारी। जाओ महलों को शिव शंकर भोले का ध्यान धरो। औलाद की इच्छा पूर्ण हो गया तुम निश्चिंत रहो। इस तरह से अंजन को वो सुख की राह बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त।
शंकर के चरणों में लगाया उन दोनों ने ध्यान। दिन रात वो दोनों करने लगे शिव भोले का गुणगान। शिव भोले ने फिर दर्श दिया बोले मांगो वरदान। कुछ और न चाहे बोले हमें दे दो औलाद का दान। तुम्हारे ही घर में जन्मेगा मेरा एक अंश अवतार। तीनों ही लोकों में गूंजेगी उसकी जय जयकार। फिर चैत्र शुक्ल की 15 को प्रभु लीला दिखलाए। माँ अंजनी के घर शिव अवतारी हनुमत थे आए। अंजना के संग में केसरी भी शिव गुण को गाते हैं। महलों में खुशियां छाई थी कितनी पावन बेला। माँ अंजन की थी कोख से जन्मा बालक अलबेला। महलों में सज गए चहुदिश देखो थे वंदन वारे। घर घर में दीपों की माला से होते उजियारे। अनधन के देखो खुले हुए थे ऐसे भंडारे। लेने वाले लेते जाते देख बोल के जयकारे। बाबा केसरी दोनों हाथों से धन धान लुटाए थे। मारे खुशियों के नैनों में आंसू भर आए थे। सब दिन दुखी मजबूर केसरी के गुण गाते हैं। कौतुक थे दिखलाए। कुछ उग्र सा और कुछ चंचल सा वो स्वभाव थे पाए। एक दिन सोता हुआ छोड़ के मैया चली गई उपवन। बालाजी तब फिर नींद से उठे भूख से थे व्याकुल। फिर इधर उधर दृष्टि फेरी नहीं पाया कुछ भी पास। फिर उगते सूर्य को देखा सोचा फल है ये कोई खास। अंगड़ाई ली हुंकार भरी फिर उड़ चले नब की ओर। महलों में देखो मच गया त्राही त्राही माम कशोर। सभी नगर निवासी दांतों तले उंगली को दबाते हैं। पहुंच गए बालाजी सूरज के सम्मुख तत्काल। एक हाथ से फिर सूरज पकड़ा और मुख में लिया था डाल। सारे ब्रह्मांड में भक्तों फिर अंधियारा छाया था। बालाजी की इस लीला को कोई जान न पाया था। सब जल चर वन चर नभ चर देखो हो गए थे हैरान। अभी अभी तो सूरज यहीं पे था कहाँ हो गया अंतर ध्यान।
फिर सैन्य सहित इंद्र बालाजी के सम्मुख था आया। कौतुक देखा बालाजी का उसे क्रोध था चढ़ आया। मन ही मन बालाजी उन सब की हंसी उड़ाते हैं। तत्काल वरना बस एक प्रहार में आ जाएगा तेरा काल। सुन के इंद्र की बात बाला मंद मंद मुस्काए, फिर दिखा अंगूठा अपना इंद्र को मुख थे चिढ़ाए। इंद्र ने फिर एक बाण चलाया बालाजी की ओर, हवा में उसको लपका और दिया हाथों से तोड़। फिर और भी कई शक्तियां उसने तुम पर बरसाई, पर वो सब भी बालाजी का बल बांका न कर पाई। अब देखो इंद्र कैसे कैसे जोर लगाते हैं। वो मन में घबराया, बालाजी ने भी शक्ति का कौतूहल दिखलाया। ऐरावत को एक हाथ से पकड़ा और था घुमाया। एक प्रहार से देवेंद्र के रथ को तुमने तोड़ा, रथ के संग संग तुमने उसके अभिमान को भी तोड़ा। कुछ और नहीं सूझा तो हनु पे वज्र प्रहार किया, हुए मूर्छित फिर भी सूर्य देव को मुक्त नहीं थकिया। चकरा कर फिर बालाजी शिला पे गिर गिर जाते हैं। जब सुना पवन ने देवों से था ये सारा वृतान, क्रोधित हो गए थे पवन देव और हो गए थे अशान। मन ही मन में फिर पवन देव ने ये था ठान लिया, धीमे धीमे से प्राण वायु को अपनी थाम लिया। सारी सृष्टि धरती अंबर व्याकुल सा होने लगा, हर प्राणी श्वास न होने से सुध बुध था खोने लगा। तब देवुन मिलकर पवन देव को था ये समझाया, हम बालक से माफी मांगेंगे ये था बतलाया। फिर इंद्र सहित सब देव तुम्हारे पास को आते हैं।
फिर हाथ जोड़ के नतमस्तक हुए सब तुमरे आगे। बोले बालाजी माफ करो हम देव हैं अभागे। फिर सुन के विनती सूर्य देव को मुक्त था तुमने किया। सारी सृष्टि पर बालाजी उपकार था तुमने किया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर तुमको ये वरदान दिया। ब्रह्म श्राप भी नहीं लगेगा तुमको ये ऐलान किया। फिर सूर्य देव ने अपने तेज का तुमको दान दिया। और वरुण देव ने पाश और जल से तुमको मान दिया। बालाजी सब देवों से मिल जुल वर को पाते हैं। यम बोले ये सदा ही मेरे दंड से दूर रहेगा। बोले कुबेर ये धन धान से सदा ही भरा रहेगा। विश्वकर्मा ने अस्त्रों शस्त्रों का तुमको दान दिया। और बोले शंकर ने कई शक्तियों का वरदान दिया। पर हनु पे पड़ा निशान कभी भी छूट न पाएगा। बालाजी की महिमा का सदा ये ध्यान दिलाएगा। हनु पे हुआ प्रहार तभी से हनुमत कहलाए। बालाजी भक्तों हनुमान का नाम तभी पाए। सब देवता मिलके बाला तुम्हारी जय जय बुलाते हैं। सब देवों ने वरदान दिया और बोले ब्रह्मा जी बालक ये दीर्घायु होगा ये जान लो तुम सभी। इस युद्ध में कोई जान लो तुम सब हरा न पाएगा। रूप बदल कर जहाँ चाहे ये चला भी जाएगा। बड़ा यशस्वी बनकर होगा सबका हितकारी। देवों ने मिलकर बाला तुम्हारी जय जय पुकारी। लेकर सारी शक्तियां चल पड़े बाला महल की ओर। माँ अंजन की और केसर की तुम बांधन धीर की डोर। वो देखो बालाजी महलों को उड़ कर के आते हैं। पढ़ने और लिखने को तुमको आश्रम था भेजा। पर चंचल बाला का पढ़ने में मन ही नहीं था। गुरुकुल में भी उत्पात मचाया तुमने था भारी। चहु और था शोर मचाया और मचाई थी त्राही। ऋषियों ने क्रोधित होकर तुमको श्राप ये दे डाला। सभी शक्तियां अपनी भूल जाओगे तुम हनुमत बाला। कोई
कभी जो तुम्हारी शक्ति तुम्हें फिर याद कराएगा, उसी समय हनुमत बाला तुम्हारा बल बढ़ जाएगा। इस तरह से वो सब तुमको शांति दूत बनाते हैं। घर पे ही माँ अंजनी ने प्रारंभिक शिक्षा दी, तुम्हें रामचरित का ज्ञान दिया, प्रभु राम की दीक्षा दी। जब लिया राम का नाम तुमने आनंद था पाया, प्रभु राम का नाम ही अपने हृदय तुमने समाया। फिर माँ की प्रेरणा पाकर तुम गए सूर्य देव के पास, पाने को अनुपम ज्ञान अरु पाने को शिक्षा खास। फिर सूर्य देव से तुमने शिक्षा दीक्षा थी पाई, अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान लिया, वेदों की सुध पाई। हनुमत बाला फिर गुरु चरण में शीश नवाते हैं। रात और दिन तुम राम के नाम की माला जपते थे, और राम प्रभु के दर्शन को तेरे नैन तरसते थे। शिव शंकर से बोले मन ही मन लीला दिखलाओ, है मनवा मेरा व्याकुल राम के दर्शन करवाओ। शिव शंकर ने फिर मदार के था रूप को धार लिया, हनुमान जति को वानर रूप में अपने साथ लिया। फिर डम 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 डमरु बजाते चले अयोध्या ओ, प्रभु राम का दर्शन पाएंगे मन मन में मनाते मोर। लीला धारी अपनी लीला हम सबको दिखाते हैं।